नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी तक बाइक भी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे जाकर उस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको कोरोना से जुड़ी सारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइस, बहुत बड़ी खबर आ रही है हमारे भारतीय रेलवे की तरफ से। 12 मई से ट्रेनों का संचालन होगा शुरू, सोमवार शाम से मिलेगा रिजर्वेशन टिकट। तो गाइस, ये बहुत बड़ी खबर है। इंडियन रेलवे ने आखिरकार ये फैसला ले लिया है कि 12 मई से वो ट्रेनों का परिचालन शुरू करेगी। और अगर आप लोगों को उस ट्रेन में यात्रा करनी है तो आप लोगों को लिए 11 मई के शाम 4 बजे से आप लोगों के लिए टिकट उपलब्ध हो जाएंगी। सो गाइस, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है इंडियन रेलवे की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। यह रेलवे की योजना, भारतीय रेलवे की योजना है कि 12 मई 2020 से यात्री ट्रेन संचालन को धीरे धीरे फिर से शुरू किया जाए। शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेनों 30 वापसी ट्रेन यात्रा, मतलब 15 जोड़ी ट्रेन मतलब 15 जाना और 15 आना, कुल 30 ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। ये ट्रेनें डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मदगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जोड़ने वाली नई दिल्ली स्टेशन से विशेष ट्रेनों के रूप में चलाई जाएगी। 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहले से ही चल रही है, जैसा कि हम लोगों ने देखा है। सो गाइस, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि 12 मई से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। और इसके लिए आप लोगों को टिकट 11 मई को शाम 4 बजे से IRCTC की वेबसाइट से बुकिंग करानी होगी। आप लोगों को इस वेबसाइट पर जाके आप लोग टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। 11 मई को शाम 4 बजे से टिकट मिलने लगेंगी, ताकि आप लोग 12 मई से यात्रा कर सके। सो गाइस, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है इंडियन रेलवेज़ की तरफ से। कंफर्म टिकट वाले ही कर पाएंगे सफ़र, मतलब यहाँ पे कोई भी वेटिंग लिस्ट वाले ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाएंगे। जिनका टिकट कंफर्म होगा वही कर पाएंगे। और मास्क पहनना अनिवार्य होगा, इसमें यात्रा करने के लिए यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। और स्टेशन पे कुछ घंटों पहले पहुंचकर अपनी स्क्रीनिंग कराकर अपना सीट पर बैठ जाना है। तो गाइस, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। धीरे धीरे से भारतीय रेलवे ने रेल परिचालन शुरू कर दिया। धीरे धीरे सभी ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। अभी 15 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन से शुरुआत की गई है। सो गाइस, ये न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़। सो गाइस, ये न्यूज़ को सुनने के बाद बहुत सारे ट्रैवलर एक्साइटेड हो गए होंगे कि अब वो लोग भी घूमने के लिए निकल सकते हैं। तो मैं उन सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों तक घर में ही रहे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि नई दिल्ली स्टेशन से विशेष ट्रेनों के रूप में चलाई जाएंगी। ये कोई आम ट्रेनें नहीं होंगी, ये सारी स्पेशल ट्रेनें होंगी, जिससे कि ये मुहिम शुरू की जा रही है कि भारत में जो रेलवे बंद है उनमें धीरे धीरे से कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाए, ताकि जो जहाँ तहाँ फंसे यात्री वो सब यात्रा करके अपने घर की तरफ जा पाए। तो गाइस, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आपको कोरोना के ऐसी ही अपडेट सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के उसको ऑल पर कर ले। तो गाइस, ये बहुत बड़ी खबर आई है, और अगर आपको ऐसे ही खबरें चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहे। मैं अभी इस वीडियो में आप लोगों से विदा लेता हूँ, लेकिन फिर मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में।